हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रेकर। कंटिन्यू रखेंगे रीट 2015 पेपर वन में पूछे गए क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट के प्रीवियस ईयर्स में जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सबको हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किया है। अगर आपने अब तक वो वीडियोज नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। नहीं तो आप अगर चाहें तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारी वीडियोज़ एक साथ मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम EVS में पूछे गए 30 क्वेश्चंस को ऑफिशियल आंसर की के साथ देखेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। EVS के फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया आपसे कि निम्न में से किस में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, बॉटनी, सेकेंड हॉर्टिकल्चर, थर्ड जियोलॉजी एंड फोर्थ ऑप्शन है एनाटॉमी। तो यहाँ पे 121 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी है? फर्स्ट ऑप्शन है WC डैम्पियर, सेकेंड BS ब्लूम, थर्ड कॉल पॉपर एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको JWN सुलिवन। तो ऐसा किन्होंने कहा हुआ है कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। तो यहाँ पे 122 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन वन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 123। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, आवश्यकता का सिद्धांत, सेकंड उपयोगिता का सिद्धांत, थर्ड जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया गया आपको ये सभी, यानी कि ऑप्शन वन टू एंड थर्ड तीनों ही। 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है आपको कि प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण। थर्ड ऑप्शन है आपका कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 125। प्रयोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन से आपके चार, सेकंड तीन, थर्ड आठ एंड फोर्थ ऑप्शन है छः। 125 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। यहाँ पे राजस्थान बोर्ड ने ऑप्शन वन एंड फोर्थ दोनों को सही माना था, तो यहाँ पे आप चार भी कर सकते हो और छः भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 126। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन से आपके नाइट्रोजन, सेकंड मेथेन, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है वो है ऑप्शन बी एंड सी, यानी कि मीथेन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो इसके मार्क्स भी इक्वल दिए गए थे, जिन्होंने बी लगाया था या फिर सी लगाया था दोनों को इक्वल मार्क्स ही मिले थे, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 127। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका विश्लेषण विधि, सेकेंड स्वतः शोध विधि, थर्ड संश्लेषण विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है आगमन विधि। तो ध्यान दें यहाँ पर बात की गई है विशिष्ट से सामान्य की, न कि सामान्य से विशिष्ट की। तो ये जिसमें प्रयुक्त होता है, जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है आपका ऑप्शन डी, आगमन विधि। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 128। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है आगमन, सेकंड मनोरंजन एवं खेल संबंधी, थर्ड रटने का एंड फोर्थ ऑप्शन है निगमन का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा 128 का हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोरंजक एवं खेल संबंधी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होती है? फर्स्ट ऑप्शन है वैधता, सेकंड विश्वसनीयता, थर्ड ऑप्शन है आपका ऑप्शन वन एंड टू दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है व्यापकता, विस्तृत। तो अच्छे प्रश्न पत्र की जो विशेषता होगी वो वैधता भी होगी और विश्वसनीयता भी होगी, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा वो
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 130, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको बुलेटिन बोर्ड, सेकंड ओएचपी, थर्ड प्रतिमान एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्लैनल बोर्ड। तो जो प्रक्षेपित सामग्री की लिस्ट में आता है वो है आपका ऑप्शन बी ओएचपी, यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, सेकेंड है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, थर्ड वे समान आवास भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको कि सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व हो। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो परिवार की विशेषता को नहीं बताता है वो है आपका ऑप्शन बी प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, क्योंकि अगर परिवार में जमा की जाएगी तो वो एक साथ ही जमा की जाएगी और यहाँ पे बात की गई है अलग अलग जमा करने की, इसलिए ये जो है वो परिवार की विशेषता को नहीं बताता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 16 अगस्त 1996, सेकेंड ऑप्शन है 5 जून 1990, थर्ड 22 जुलाई 2002 एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको 26 सितंबर 1994। तो यहाँ पे 132 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 26 सितंबर 1994। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 2006, सेकंड 2008, थर्ड 2011 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1997। 133 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन वन 2006। क्वेश्चन नंबर 134, विच इज नॉट अ करेक्ट मैच, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में वस्त्रों के प्रकार दिए गए हैं और राइट साइड में राज्य दिए गए हैं, यानी कि किस प्रकार के वस्त्र कौन से राज्य में बनाए जाते हैं, ये जो जोड़ा गलत दिखे आपको उसे चूज करना है आपको। तो फर्स्ट में है फिरन जम्मू कश्मीर, सेकेंड है पानो भाजू पश्चिम बंगाल, थर्ड है राहिदे हिमाचल प्रदेश एंड फोर्थ ऑप्शन है फुलकारी पंजाब। तो जो सही तरीके से मैच नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी पानो भाजू पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता? फर्स्ट ऑप्शन है संगमरमर, सेकेंड कोटा स्टोन, थर्ड घिया पत्थर यानी कि सेलखड़ी एंड फोर्थ ऑप्शन है सैंडस्टोन। तो ये क्वेश्चन सीटेट के अलावा कई सारे टेट एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से सोच के जवाब दीजिए इसका। 135 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी घिया पत्थर यानी कि सेलखड़ी। क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा गया आपसे कि बागवानी के लिए कौन सा प्रकार उर्वरक उपयोगी होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका यूरिया, सेकंड सोडियम फास्फेट, थर्ड डीएपी एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्मी कंपोस्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यूरिया भी यूजफुल है और वर्मी कंपोस्ट भी यूजफुल है, डीएपी। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो एक से अधिक सही है, इसलिए राजस्थान बोर्ड ने इसके जो उत्तर थे उसके बदले में बोनस मार्क्स सभी को दे दिए थे, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 137, कौन सा सुमेलित नहीं है? अंबाजी मेला गुजरात, माघ मेला उत्तर प्रदेश, नैना देवी मेला असम और वेनेश्वर मेला राजस्थान। तो जो स्टेट और मेला, ठीक है, ये जो रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है, उसे चूज करना है आपने। 137 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी नैना देवी मेला असम। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 138, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है डिडवाना, सेकेंड नागौर, थर्ड बाड़मेर एंड फोर्थ ऑप्शन है पर्वतसर। तो जहाँ पे राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स स्थित नहीं है वो है आपका ऑप्शन वन डिडवाना। क्वेश्चन नंबर 139 देख लेते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 1981, सेकंड 1985, थर्ड 1986 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1988। तो इसके जो मार्क्स थे वो राजस्थान बोर्ड की तरफ से सबको इक्वल दे दिए गए थे, यानी कि बोनस मार्क्स मिले थे इसके। तो इसको स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा गया आपसे कि राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 20, सेकंड 25, थर्ड 22 एंड फोर्थ ऑप्शन है 24।
140 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 25। तो ये जो पेपर था वो 2015 का है, तो ये जवाब जो है वो उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 141। पक्षाप उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है अमाशय, सेकंड श्वसनिका, थर्ड आंत एंड फोर्थ ऑप्शन है वायुकोश। 141 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्वसनिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। निम्नांकित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है जाइलम, सेकंड पेरेनकाइमा, थर्ड कोलेनकाइमा एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको एस्लेरेनकाइमा। 142 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन वन जाइलम। क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा गया आपसे कि मलेरिया होता है, फर्स्ट ऑप्शन है प्लाजोडियम फॉल्सीपेरम, सेकंड है एंट अमीबा, थर्ड रिट्रोवायरस एंड फोर्थ ऑप्शन है स्लामोनेला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन वन यानी कि प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। निम्नांकित में से कौन सा भारत के तीन जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? फर्स्ट ऑप्शन है आरावली हिल्स, सेकंड खासी हिल्स, थर्ड हिमालय एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो तीन जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है वो है आपका ऑप्शन सी हिमालय। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 145। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है बाघ, सेकंड गाय, थर्ड ऊंट एंड फोर्थ ऑप्शन है भेड़। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का जो राज्य पशु होगा वो ऊंट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है, फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक सीधा एवं छोटा, सेकंड है आभासी सीधा तथा अवर्धित, थर्ड है आभासी उल्टा एवं छोटा एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको वास्तविक उल्टा एवं छोटा। 146 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी आभासी सीधा एवं आवर्धित। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 147। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है वाहन, सेकंड उद्योग, थर्ड ठोस अपशिष्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है धूल के कण। तो इन चारों ही ऑप्शन में से जो वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी ठोस अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि सभी धातुएं तन्य होती है, सेकंड है सभी अधातुएं तन्य होती है, थर्ड सामान्यतः धातुएं तन्य होती है एंड फोर्थ ऑप्शन है कुछ धातुएं तन्य होती है। 148 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है जल विद्युत, सेकंड प्राकृतिक गैस, थर्ड पवन ऊर्जा एंड फोर्थ ऑप्शन है सौर ऊर्जा। 149 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 150 में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है वुलर झील, सेकंड रुद्र सागर झील, थर्ड केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एंड फोर्थ ऑप्शन है राजसम्मत झील। 150 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी राजसम्मत झील। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने रीट 2015 लेवल 1 में EVS के पूछे गए क्वेश्चंस को ऑफिशियल आंसर की के साथ देखा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।